चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। मेरे हलफनामे में मेरे खिलाफ एक भी FIR होगी तो आपसे वोट मांगने दोबारा नहीं आऊंगा। जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार की गर्मी बढ़ रही है, ठीक वैसे ही प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्रों की गली गलियों में घूमते हुए देखे जा सकते हैं। द्वारका विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी विनय मिश्रा का आज विधानसभा में कई जगह लड्डुओं से तोलकर स्वागत किया गया और साथ ही कई जनसभाओं के माध्यम से विनय मिश्रा ने जनता से अपने लिए मतों की अपील की, तो वहीं दूसरी तरफ जनता ने भी उन्हें दिल खोलकर हाथों हाथ लिया। द्वारका विधानसभा के इंदिरा पार्क, सागरपुर, जगदम्बा विहार, संगम चौक के बाद विनय मिश्रा मदनपुरी इलाके में पहुंचे, जहां पर एक बार फिर लोगों ने उनका 100 किलो लड्डुओं से तोलकर स्वागत किया। अभिनंदन के बाद विनय मिश्रा भी खासे खुश दिखाई दिए और अपने लिए इसे जनता का प्यार और आशीर्वाद बताया। जो ये सम्मान मुझे मिल रहा है, मैं उसके लिए द्वारका की तमाम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे साथी जो विगत 20 वर्षों से मेरे साथ जुड़े हुए, आज उनकी जो खुशी मैं उनके चेहरे पर देख रहा हूँ, और कहीं ना कहीं आज द्वारका विधानसभा में आज विनय मिश्रा अकेला चुनाव लड़ रहा है, आज पूरी द्वारका विधानसभा खुद चुनाव लड़ रही है और सबकी भावनाएं आज कल के आ रही है, तो उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सुबह से मुझे लग रहा है ये मैं तीसरी जगह लड्डू खा रहा हूँ। आपने देखा कि विनय मिश्रा जी के लिए कितना अजूम विशाल लोग आए और बहुत सारे लोग आए, और विनय मिश्रा जी के लिए हम ये कहेंगे, विनय मिश्रा जी हमारे प्रत्याशी नहीं है, हमारे बेटे हैं, हमारा लाडला है द्वारका का, और विनय मिश्रा जी जीत चुके हैं, हम तो सिर्फ मार्जिन की लड़ाई लड़ रहे हैं। कम से कम 80,000 से 1,00,000 वोट में जीतेंगे। पूरा पूरा सबका मिलेगा। जिस तरह विनय मिश्रा को द्वारका विधानसभा में समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे निश्चित रूप से विनय मिश्रा की चुनौती बेहद बड़ी हो गई है और विरोधियों के लिए इसे पार कर पाना बेहद मुश्किल साबित हो सकता है। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली NCR के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।